बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अनदर लेसन ऑफ स्केचअप। बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरसेक्शन टूल को। बेसिकली इंटरसेक्शन है क्या, ये दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं आपने, बेसिकली एक्सरसाइज फाइल से इंटरसेक्शन लेसन है उसको बेसिकली ऑन कर लेना है। या आपके पास एक सिलेंडर और ये प्लान से बना स्लैब टाइप, इसमें आप एक्सरे व्यू में चले जाएँ तो आपको नज़र आ रहा होगा ये स्ट्रेट थ्रू। हम चाह रहे हैं कि ये जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पर हमें मालूम पड़ जाए कि यहाँ पे कट आ जाए, एक प्रोफाइल बन जाए नेक्स्ट, जिससे हम इसको प्रेस पुल कर लें। तो आइए करने की कोशिश करते हैं, दोबारा एक्सरे व्यू से ख़त्म कर लेते हैं एक्सप्रेस करके। इफ़ आपने कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो हमारी इंपोर्ट की हुई है, तो एक्स इज़ बेसिकली वायर फ्रेम एक्सरे मोड के लिए और स्टैंडर्ड शेडेड मोड के लिए। अभी आपने बेसिकली क्या करना है, इसके अंदर आपने इसको भी सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। दोनों ऑब्जेक्ट्स जब सिलेक्ट हो जाएँ उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने इंटरसेक्शन फेस पे जाना है। इंटरसेक्शन फेस के बाद विद मॉडल और विद सिलेक्शन है, बेसिकली मैं विद सिलेक्शन कर लेता हूँ। विद सिलेक्शन करने से ये होगा, एक ग्रूव आपको यहाँ पे नज़र आया होगा, बिल्कुल मतलब प्रोमिनेंट हो गया कि यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गई है। तो आप बेसिकली एक्सरे मोड में जाएंगे तो आप देखेंगे बेसिकली एक नई प्रोफाइल बनी है, ठीक है। अगर आप इसको भी हाइड कर लें, इसको भी हाइड कर लें, तो ये आपके पास बेसिकली ये एक नई प्रोफाइल बनी हुई है, ठीक है। इसका कोई इससे लेना देना नहीं है एज सच, ठीक है। कंट्रोल एच प्रेस कर लें, शिफ्ट एच, ठीक है। शिफ्ट एच से ये बेसिकली वापस अनहाइड हो गए। तो ये बेसिकली ऐसा है कि यहाँ पे ये दोनों चीज़ों से इसका कोई लेना देना नहीं है, एक अलग से प्रोफाइल बनी है। मैं अगर आप देखें इसको हाइड कर लेता हूँ एच प्रेस करके, और यहाँ पर देखें ये आपके पास है, बट आप अगर इसको प्रेस पुल करना चाहते हैं तो ये नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली इसके साथ कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, बेसिकली ये दोनों जो थे ग्रुप्स में बने हुए थे। आप इनमें से किसी एक को भी लाइक मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, इनिशियल कंडीशन में ले आता हूँ इसको यहाँ पे नीचे। अब मैं इसको कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ और डबल क्लिक करके इसको ओपन कर देता हूँ, बल्कि कंट्रोल जेड करूँगा और शिफ्ट जी करके अनहाइड, कंट्रोल जेड यहाँ पर ले आऊँगा। इसको कंट्रोल डबल क्लिक करके ट्रिपल क्लिक करें और सारा सिलेंडर सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल एक्स करें और उसके बाद ग्रुप इसको ओपन करें इस ग्रुप को, और यहाँ पे सिंपल वी प्रेस कर दें, ठीक है। वी जहाँ से आपने उसी सेम एग्जैक्ट लोकेशन पे वो बेसिकली पेस्ट हो जाएगा सेम कोऑर्डिनेट के साथ। अभी आप बेसिकली डबल क्लिक करें, ट्रिपल क्लिक इसको भी करें, शिफ्ट प्रेस करके ट्रिपल क्लिक, ट्रिपल क्लिक आप इसे भी कर लें, तो दोनों सेलेक्ट हो, राइट क्लिक करें इंटरसेक्शन फेसेस विद कॉन्टेक्स्ट। जैसे ही आप विद कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पे ये प्रेस पुल आप बेसिकली अभी लगाना चाहें या कुछ इस तरह से कोई चीज़ करना चाहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इसको एच कर देता हूँ हाइट, ठीक है। तो देखें आपके पास प्रेस पुल है और आप एग्जैक्टली इसको माइनस करके एंड देन जो मैंने किया शिफ्ट जी सॉरी कंट्रोल शिफ्ट जी शिफ्ट एच बेसिकली शिफ्ट एच तो ये बेसिकली शिफ्ट एच से आपने अनहाइड कर लिया, तो ये बेसिकली लग से एक प्रोफाइल सी आपको बन जाएगी। होपफुली आपको ये चीज़ इंटरसेक्शन वाली समझ आई होगी, नहीं समझ आती प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस, आपके पास हेल्पलाइन हैं, इस वीडियो को दोबारा देखें तो मोस्ट अंडरस्टैंडेबली आपको समझ आएगी। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। सो सी यू।